डीओआईटी द्वारा एक पोर्टल डेवलप किया गया है सर, जो पंजीकरण पोर्टल कहलाया जाता है सर, और ये पूरे कैंप्स के एक बहुत ही अहम अंग है सर, क्योंकि जो समस्त रजिस्ट्रेशन होगी वो इस पोर्टल के थ्रू ही होगी कैंप्स के अंदर। तो इसको सर हमने डेवलप किया है पिछले 2-3 महीने में एक्सटेंसिव कंसल्टेशन करके सर, सबसे विचार विमर्श करके डिपार्टमेंट से सर, सीओ से, ओवरऑल गाइडेंस ऑफ मैनेजमेंट सर। और इसमें सर मुख्यतः हमने जो चीज़ों का ध्यान रखा है वो ये रखा है सर कि कम से कम टाइम के अंदर लोगों का रजिस्ट्रेशन पॉसिबल हो सके सर, उसके पूरे सिस्टम को बैकएंड से ऑटोमेट किया गया है सर। दूसरा इसमें ये ख्याल रखा गया है कि मिनिमम से मिनिमम डॉक्यूमेंट्स जो है प्रार्थी से मांगे जाएं, जिससे कि अगेन सर कम से कम टाइम लगे पूरे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में सर। इसका मोटे तौर पे जो प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का सर, उसमें जो नागरिक है वो काउंटर पे आएगा सर और अपना आधार कार्ड या आधार नंबर प्रोवाइड कराएगा। वहाँ जो बैठा ऑपरेटर है वो उस आधार कार्ड को हमारे पोर्टल में फीड करेगा सर, और वो जिस जिस स्कीम्स के लिए एलिजिबल है उन 10 स्कीम्स में से उसकी ऑटोमेटिक ये डिस्प्ले सर पीछे लगे टीवी पे दिखाई देगा, और फिर वो बता सकेगा कि किस किस योजना का लाभ वो लेना चाहता है, वो सिलेक्ट कर सकता है सर, और उस उन स्कीम्स के लिए उसको रजिस्टर कर दिया जाएगा। कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट की अगर रिक्वायरमेंट है उस स्टेज पर, तो वो डॉक्यूमेंट का नंबर भी उस पर रजिस्टर करके उसको अगले काउंटर पर पहुँचा दिया जाएगा सर, और अगले काउंटर पर उसको जो एंटाइटलमेंट कार्ड्स हैं वो उसको अगले काउंटर पर मिल जाएंगे सर। इसकी ये प्रक्रिया वो फिर क्यू से बाहर हो जाएगा सर। इस पोर्टल की सर हमने एक्सटेंसिव रूप से ट्रेनिंग दी 19 अप्रैल को, करीबन 5,000 से भी ज़्यादा लोगों को सर हमने इसकी ट्रेनिंग दी, जिला लेवल, युवा मित्र सब, इनफैक्ट ADM और कुछ कलेक्टर्स भी इस पर जुड़े हुए थे सर। और इसके बाद हमने लास्ट 3-4 दिन में सर मॉक ड्रिल करी है इसकी, इस सिस्टम को यूज़ करके देखे सर नीचे यूज़र की कोई इशू तो नहीं आ रहा है। तो करीबन 50,000 सर एंट्री पिछले 3-4 दिन में मॉक ड्रिल के द्वारा इस पोर्टल पर हुई है सर, और उसमें जो छोटे मोटे इशू निकल के आए उसको हमने सर रिजॉल्व किया है। इसका मैनुअल भी हमने सर्कुलेट किया है सर, इसका एक इंस्ट्रक्शन वीडियो भी हमने जारी कर दिया सर, जिससे कोई भी इसके अंदर कंफ्यूजन की स्थिति ना रहे सर। और साथ ही साथ इस पोर्टल के अंदर सर एक डैशबोर्ड मॉनिटरिंग के लिए भी है कि डिस्ट्रिक्ट देख सके कि उसकी कैसी प्रोग्रेस चल रही है कैंप्स के अंदर, कितने लोग आने थे, कितने लोग आए। ऐसे ही एक डैशबोर्ड हमने स्टेट लेवल के लिए सर डेवलप किया है कि ओवरऑल क्या रजिस्ट्रेशन चल रहा है सर हर स्कीम के अंदर, एंड अगेन कितने लोग रजिस्टर्ड हैं ओवरऑल और कितने आए सर कैंप्स के अंदर। तो अभी जो सर ने टेस्ट डेटा डाला था वो सब अब डिलीट करके सर लॉन्च के बाद उसको हम लाइव कर देंगे सर। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि बटन दबा के इस पोर्टल का उद्घाटन करें सर। देखिए, कल से महंगाई राहत कैंप की शुरुआत होने जा रही है। रजिस्ट्रेशन पोर्टल और वेबसाइट का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुभारंभ किया है और साथ ही साथ अधिकारी और मंत्री इस दौरान मौजूद हैं। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को ब्रीफ किया है कि किस तरीके से पूरी तैयारी की गई है। हालांकि इस पूरे कार्यक्रम को लेकर, इस महंगाई राहत कैंप को लेकर बाकायदा 19 तारीख को बताया गया अधिकारी की तरफ से कि हमने ट्रायल भी किया है, जिससे कि जो लोग इस कैंप में पहुंचे उन्हें किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार बाकायदा वीडियो संदेश जारी कर लोगों से अपील की गई है कि वो इस कैंप में जरूर आएं, जो 10 महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनका लाभ लें। रजिस्ट्रेशन कराना बेहद जरूरी है इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए। शुभारंभ रजिस्ट्रेशन पोर्टल का
और साथ ही साथ वेबसाइट का मुख्यमंत्री ने किया है। कल से शुरुआत हो रही है और सीधा सीधा मकसद यही है कि सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है उनका लोगों को सीधे फायदा मिले। और अगर लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो उसके लिए 181 नंबर भी जारी किया गया है। और मुख्यमंत्री ने कहा भी है अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी है, कोई समस्या है, डॉक्यूमेंट को लेकर कोई परेशान कर रहा है या फिर कैसे भी दिक्कत है, 181 पर कॉल कर अपनी परेशानी को बता सकते हैं, आपत्ति को दर्ज करा सकते हैं, ये सुविधा दी गई है। और मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि आप इस कैंप में ज़रूर जाएं, रजिस्ट्रेशन कराएं और योजनाओं का लाभ लें, अवश्य इस कैंप में पहुंचे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होनी है और इसलिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल और वेबसाइट का शुभारंभ भी हो गया है जिस पर लोग पंजीयन करवाएंगे। आप देख रहे हैं सीएस उषा शर्मा की मौजूदगी, तमाम अधिकारी इस दौरान मौजूद हैं, साथ ही साथ मंत्री की भी मौजूदगी है। दो तस्वीर आपके सामने हैं, पोर्टल और वेबसाइट की शुरुआत मुख्यमंत्री ने की है। कल से ये राहत कैंप शुरू हो रहा है, महंगाई राहत कैंप, जिसके जरिए आम लोगों को योजनाओं का लाभ देना है, लेकिन उसके लिए पंजीयन कराना, रजिस्ट्रेशन कराना बेहद जरूरी है। और जिस पोर्टल के माध्यम से, जिस वेबसाइट के माध्यम से लोगों को जानकारी मिलेगी, उसी पोर्टल और वेबसाइट का मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया है। और फिलहाल जो अधिकारी मौजूद हैं वो ब्रीफ मुख्यमंत्री को कर रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या उनकी तैयारी है, जिससे कोई भी प्रकार की किसी भी समस्या से आम लोगों को दो चार ना होना पड़े। और ये मुख्यमंत्री ने पहले ही निर्देश दिए थे कि इस महंगाई राहत कैंप में आम इंसान को राहत ही मिले, किसी भी प्रकार की उनको परेशानियों का सामना ना करना पड़े, हर एक तैयारी दुरुस्त हो। अब क्योंकि समय बहुत कम है, कल ही शुरुआत होनी है, सुबह मुख्यमंत्री इसकी शुरुआत कर देंगे कैंप की। और हर मंत्री को अपने अपने क्षेत्र में रहने की, अपने अपने क्षेत्र में उनकी मौजूदगी की बात कही है, अपने अपने क्षेत्र में मंत्री मौजूद रहेंगे, आम जनता से सीधा संवाद, सीधा कनेक्शन रहे सरकार का इस कैंप के माध्यम से, यही कोशिश है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि योजनाएं तो तमाम आती हैं, लेकिन जागरूकता के अभाव में लोगों को योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। तो सब ट्रायल होके वेरीफाई होके ही कल कैंप शुरू हो रहे हैं। सर कलेक्टर्स को ये निर्देश दिए थे और कल सभी से पूछा कि जहाँ जहाँ रिमोट एरियाज हैं, जहाँ नेट कनेक्शन नहीं है, तो आप स्वयं जाके वो जगह देखें और फिर वहाँ लगाएं जहाँ नेट काम करते हैं। जैसे कल 1700 जो कैंप लगेंगे सर, वहाँ होपफुली वहाँ सुचारू रूप से फिर वो दो तीन दिन में बाकी जगह लगाएंगे। इसमें सर प्रशिक्षण के लिए हमने एक वीडियो बनाया सर, वो हम तो देखिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल और वेबसाइट का शुभारंभ हो चुका है। ज़्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी नरेश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। नरेश जी, क्योंकि समय अब बिल्कुल नज़दीक है, कल तो शुरुआत होनी है महंगाई राहत कैंप की, अब हम देख रहे हैं सीधी तस्वीर, पोर्टल का शुभारंभ हो चुका है, वेबसाइट का शुभारंभ हो गया है, अब मुख्यमंत्री को अधिकारी ब्रीफ कर रहे हैं कि उनकी क्या तैयारी है। बिल्कुल देखिए, कल से महंगाई राहत कैंप है उसकी शुरुआत हो रही है। कल खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक कार्यक्रम में इसकी शुरुआत करेंगे और प्रदेश के तमाम जगह पे ये कैंप लगाए जाएंगे। इससे पहले जो तैयारियां है वो मुख्यमंत्री के स्तर पर हो रही है। अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो पोर्टल और वेबसाइट की लॉन्चिंग की है, हालांकि ये कार्यक्रम पहले दोपहर 3 बजे प्रस्तावित था, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली दौरे से लौटे हैं, देरी से आए हैं, ऐसे में अभी मुख्यमंत्री आवास पर कार्यक्रम हुआ है। विभिन्न ऐसे माध्यम है जिनसे जनता को राहत देनी है, उन्हीं में से एक है पोर्टल और वेबसाइट, इन पे तमाम जानकारी रहेंगी जो सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं, जिन योजनाओं के माध्यम से जनता को लाभ पहुँचाना है या जिन योजनाओं को लेके जनता को रजिस्ट्रेशन कराना है,
जिनको इन कैंप में लाभ लेना है सरकार की 10 प्रमुख योजनाओं को लेके, तो उन सभी की जानकारी इन पोर्टल में वेबसाइट जो है रहेगी और इनके माध्यम से भी आसानी से रजिस्ट्रेशन हो पाएगा और रजिस्ट्रेशन की जो तरीका क्या है तमाम जानकारी इनके ऊपर रहेगी। कल चूंकि राहत कैंप है उनके औपचारिक रूप से शुरुआत होगी और मुख्यमंत्री ने तमाम मंत्रियों को भी निर्देश दिए हैं, विधायकों को भी कहा है कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र में रहे और वहाँ पे ये जो कार्यक्रम है शुभारंभ का राहत कैंप का उसमें शामिल हो। साथ में संगठन की बीच में भूमिका रहे कि कांग्रेस संगठन की और जो PCC के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ये पहले ही एक गाइडलाइन जारी कर चुके हैं अपने तमाम पदाधिकारियों के लिए कि किस तरह से राहत कैंप में उनको मदद करनी है। अधिकारियों को मुख्यमंत्री पहले ही ताकीद कर चुके हैं, जब कलेक्टर और SP की कॉन्फ्रेंस हुई थी जयपुर में उस दौरान मुख्यमंत्री ने तमाम अधिकारियों को बता दिया था कि किस तरह से कैंप लगने हैं और इस कैंप में किस तरह से जनता को लाभ पहुंचाना है। देखिए इन कैंप का जो मकसद है वो यही है कि जो भी जरूरतमंद है उनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, सरकार की योजनाओं की जानकारी हो और जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे कैंप में उनको ये 10 प्रमुख जो योजनाएं हैं, चाहे वो 500 रुपए के सिलेंडर की बात हो, चाहे चिरंजीवी की योजना 25 लाख रुपए तक के का उसमें इलाज की सुविधा हो, इसके अलावा भी अगर हम बात करें 100 यूनिट और 2000 यूनिट फ्री बिजली की बात हो, ये उन्हीं को मिलेगी जो इन शिविर में जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे। इसका मकसद ये है कि जिन लोगों को जरूरत नहीं है, जिनको 100 यूनिट फ्री बिजली की जरूरत नहीं है, जो अधिक आय वर्ग में आते हैं, तो वो लोग अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। उसका फायदा ये होगा कि उसके बेटे जितनी राशि सरकार की बचेगी वो राशि फिर अन्य जरूरतमंदों के काम आएगी। तो इस कारण से ये रजिस्ट्रेशन का तरीका निकाला गया है कि कैंप आयोजित किए जा रहे हैं कि वास्तव में जो जरूरतमंद हो, जिनको ये सुविधा चाहिए, जिनको सरकार की योजनाओं का लाभ चाहिए, सिर्फ वही लोग जो है यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए आए। हालांकि मुख्यमंत्री ने अपील की है और कहा भी है कि जब तक सभी जरूरतमंद सभी पात्र रजिस्ट्रेशन नहीं करा लेंगे तब तक कैंप जारी रहेंगे और ये कैंप ग्रामीण इलाकों में भी लगेंगे, शहरी इलाकों में भी लगेंगे, वार्डों में लगेंगे और दिन भर जो है इनमें काम होगा। समय समय पर खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इनका निरीक्षण करेंगे और साथ में विधायकों के माध्यम से मंत्रियों के माध्यम से भी इनकी मॉनिटरिंग कराएंगे, नियमों के स्तर पर इनकी पूरी मॉनिटरिंग होगी। कल खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो कैंप का उद्घाटन करेंगे, महापुरा जाएंगे जहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है। ठीक है नरजी, बेहद महत्वपूर्ण ये कैंप होने वाला है, जनता को सीधे योजनाओं का लाभ मिले यही कोशिश है और पोर्टल और वेबसाइट का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने कर दिया है। आपका शुक्रिया बहुत बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।